सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, कहाँ पर हम सही हैं कहाँ पर गलत हैं, हम लोग ये सारी चीजें सोच लेते हैं। तो यही है बुद्धि, अलग से कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि व्यक्ति के सोचने समझने की जो क्षमता होती है या योग्यता होती है वही क्या होती है, बुद्धि होती है। अपनी क्षमता अपनी योग्यता के अनुसार ही इंसान क्या करता है, इंसान अलग अलग प्रोफेशन चूज करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो उसने इंजीनियरिंग ले ली, अगर कोई बच्चा बायो में अच्छा है तो उसने मेडिकल कर लिया या वह डॉक्टर बन गया। तो इस तरीके से उसने मेडिकल में एडमिशन लिया और वो डॉक्टर बन गया। तो इस तरीके से जिसके जिस तरीके से सोचने की क्षमता होगी, जिसकी जितनी इंटेलिजेंस होगी, वह उसी प्रकार के पद को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि आप एक सिंपल से स्कूल की बात करूंगी, चूंकि आप सभी लोग शिक्षक हो तो स्कूल की बात करना यहाँ पर ज्यादा बेटर है। तो उस स्कूल में कोई प्रिंसिपल है, कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कोई टीचर है, कोई माली है, हाँ, या फिर कोई कह सकते हो आप कोई चपरासी है, प्यून है। तो इस तरीके से जिसकी जितनी योग्यता है उसी के अनुसार उसको क्या मिला है, पद मिला है। तो इस तरीके से जो बुद्धि होती है वही क्या बनाती है, हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो इस तरीके से जो बुद्धि होती है यही क्या बनाती है, व्यक्ति को उसका पद दिलाती है, या उसके सोचने समझने की क्षमता जितनी अधिक होगी, निर्णय लेने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, वह व्यक्ति उतना ही योग्य होगा और उसको उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। अब देखिए वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। जबकि टर्मन ने क्या कहा है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो बकिंघम ने कहा है सीखने की योग्यता या सीखने की क्षमता भी आप कह सकते हो, और टर्मन ने क्या कहा है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन यानी कि कितना अधिक से अधिक आप अमूर्त चिंतन कर सकते हो। जैसे कि क्लास में आप बैठे हुए हो, क्योंकि छोटे बच्चों का एग्जाम्पल मैं दूंगी, और वो बच्चा सोच सकता है अपने घर के बारे में, घर पे इस टाइम सब लोग क्या कर रहे होंगे, खा रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे, या फिर बाहर स्कूल के बाहर सड़क है, या ये कहें सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियां, कौन कौन सी दुकानें हैं, बच्चा ये सब चीजें अगर सोच सकता है तो उसके अंदर अमूर्त चिंतन की क्षमता है। तो इस तरीके से जो बुद्धि होती है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और सीखने की क्या है, योग्यता। जिस बच्चे के पास बुद्धि अधिक होगी वो जल्दी सीख जाएगा। जैसे कि टीचर ने एक सवाल बताया और उस सवाल को उसी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो एक ही बार में क्या होंगे, सीख जाएंगे, एक ही बार में सीख गए होंगे कुछ बच्चे। टर्मन के अनुसार जो बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब देखिए मैकडूगल के शब्दों में, बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर ही जो गलतियां हमने की होती हैं, हमें उसका पछतावा होता है, हमें अपनी भूल का पछतावा होता है, और हम ये सोचते हैं कि आगे जो भी गलतियां हमने पीछे की हैं वो आगे हम ना दोहराएं। तो बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर यानी कि जो गलतियां हमने की हैं उसको क्या करते हैं, हम उन प्रवृत्तियों को, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और यह हमें कहां से मिलती है, अपनी बुद्धि से, अपनी सोचने समझने की क्षमता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना है। तो देखिए यह किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। अब वेस्लर ने क्या कहा है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो वेस्लर ने कहा है कि जो बुद्धि होती है वो व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, यानी कि जब व्यक्ति के पास बुद्धि है, उसके पास सोचने समझने की क्षमता है, तो किसी भी काम को क्या करेगा, व्यवस्थित तरीके से करेगा, वह उस काम को 100% देगा, या फिर ये कहें कि वह कोशिश करेगा कि जिस उद्देश्य के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ उसमें अपना पूरा 100% दूं और इस कार्य का रिजल्ट अच्छा है। जैसे कि कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो पूरी कोशिश करेगा कि मैं पूरे के पूरे नंबर लेकर के आऊं, और उसके लिए बच्चा
दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसे उसका उद्देश्य पता है और उस उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहा है, चिंतन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो वेस्लर ने कहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बताया है कि जो बुद्धि होती है वह हम किसी ना किसी काम को करने के लिए ही उसका यूज करते हैं, किसी ना किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बुद्धि को सामूहिक योग्यता कहा है। तो इस तरीके से सामूहिक योग्यता यहाँ पर वेस्लर को आप इस तरीके से विश्व की तरह आप समझ सकते हो। तो विश्व क्या है? विश्व बहुत सारे देशों का समूह है। तो ये बुद्धि को क्या कहा है इन्होंने, वेस्लर ने बुद्धि को क्या कहा है? सामूहिक योग्यता कहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा, इस तरीके से आप याद रखते हो कि वेस्लर या विश्व में सभी देश सामूहिक है, तो वेस्लर का जो बुद्धि का कथन है उसमें सामूहिक योग्यता आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? तीन प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, याद रखिएगा, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं मूर्त बुद्धि को। सबसे पहले यहाँ पर हम मूर्त बुद्धि देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा, आप अगर एग्जाम में पूछेगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो आप क्या बताओगे? तीन प्रकार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि यानी कि यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, इसके बाद सामाजिक बुद्धि। चलिए इन तीनों को हम देखेंगे यहाँ पर विस्तार से। तो पहला है मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आप लोगों ने पढ़ा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र। तो स्थूल का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें हमारे आसपास हमारे सामने रखी हुई हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वो सब क्या हैं? मूर्त हैं, यानी कि स्थूल हैं। और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसकी तरफ हम जा रहे हैं, या ज्ञात से अज्ञात की ओर आप कह सकते हो। जो चीज हमें दिखाई दे रही है इसके बारे में हम पता करके, या इसके बारे में हम सीख करके आगे जो हमें नहीं पता है उसके बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। तो इस बुद्धि के जो बालक होते हैं वो मूर्तिकार होते हैं, यानी कि जो मूर्तियां बनाते हैं, चाहे वह दुर्गा पूजा की मूर्तियां हो, या फिर गणेश चतुर्थी की मूर्तियां हो, या फिर हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी पूजन की मूर्तियां हो। तो मूर्तियां बनाने वाले जो मूर्तिकार होते हैं, सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बल्कि आप देखते हो, सिर्फ इन्हीं मूर्तियों की बात हम क्यों करें, आप अलग अलग देशभक्तों की मूर्तियां देखते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपने देखी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी है आप लोगों ने, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा भीमराव अंबेडकर जी के अलग अलग जगह पर मूर्तियां आपने देखी होंगी बनी हुई। तो जो मूर्तिकार होते हैं यह कौन सी बुद्धि में आते हैं? इनके पास औजार होता है, उसी की सहायता से इनके पास हुनर होता है, और किसी ना किसी औजार की सहायता से क्या करते हैं, ये मूर्ति को बनाते हैं। तो मूर्त बुद्धि में मूर्तिकार आएंगे, इसके अलावा कारीगर आएंगे। कारीगर अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, और यह इनका भी काम होता है चीजों को बनाना। जैसे कि आप देखते हो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर जो कि अलग अलग प्रकार के लकड़ी के सामान बनाते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, बेड, ये सब क्या बनाते हैं, ये सब चीजें बनाते हैं। फिर देखिए इसके बाद मिस्त्री होता है, जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, उसके पास बहुत सारा सामान होता है, उसी की सहायता से वह क्या करता है, ईंटों को जोड़ता है और वह घर को बनाता है। इंजीनियर होता है, इंजीनियर के पास भी बहुत सारे सामान होते हैं जो जो कि उनके कार्य को आसान बना देते हैं। जैसे कि आजकल के इंजीनियर्स को आप देखो, कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के वह अपने काम को करते हैं। तो इंजीनियर किसके अंतर्गत आएंगे? मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। यंत्र का प्रयोग करते हैं मूर्तिकार, मिस्त्री, कारीगर, इंजीनियर, ये सब याद रखिएगा। फिर कुशल कारीगर तो हो ही गया, फिर व्यापारी। तो इतने लोग मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, मूर्तिकार, मिस्त्री, इंजीनियर, कारीगर, व्यापारी। यह बुद्धि मशीनों और यंत्रों से अनुकूलन करने में सहायता देती है। तो बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वह मशीनों पर काम करते हैं, या फिर इस तरीके से फैक्ट्रियों में काम करते, तो आप कह सकते हो कि यह बुद्धि मशीनों और यंत्रों से अनुकूलन करने में सहायता देती है, मूर्त बुद्धि। तो यह मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे बालक, मूर्तिकार, मिस्त्री, इंजीनियर, कुशल कारीगर, व्यापारी। अब इसके बाद देखिए अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में कौन कौन से लोग आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अमूर्त मतलब क्या होता है? ऐसे लोग
जो अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो उनके सामने नहीं भी होती हैं, फिर भी वह उसकी कल्पना कर लेते हैं और उसी कल्पना में ही क्या करते हैं, वह उसी कल्पना में ही बहुत से आविष्कार कर देते हैं, बहुत सारी चीजें वह बना देते हैं। तो यहाँ पर हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। अमूर्त चिंतन का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, फिर भी हम उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं और कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, इस बुद्धि की आवश्यकता पढ़ने, लिखने, तार्किक चिंतन करने में पड़ती है। इस बुद्धि वाला व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, लेखक, चित्रकार, पत्रकार, दार्शनिक, शायर, शिक्षक, वैज्ञानिक, ये सभी आते हैं अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। तो इंजीनियर आते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत, याद रखिएगा, जबकि डॉक्टर आते हैं अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत, वैज्ञानिक आते हैं अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। क्योंकि इस बुद्धि की आवश्यकता पढ़ने, लिखने, तार्किक चिंतन करने, यानी कि इसमें जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो अधिक लगती है। चित्रकार अलग अलग पेंटिंग बनाता है, जो पेंटर होता है, और वह पेंटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी बना देता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आपने वहां तक सोचा नहीं होता, फिर भी इसका दिमाग वहां तक पहुंच जाता है, यानी कि जो चित्रकार होता है उसका दिमाग पहुंच जाता है। तो इस तरीके से चित्रकार, पत्रकार, दार्शनिक, शायर, शिक्षक, शिक्षक अगर किसमें आता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया शिक्षक कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है, जो थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए, तो आप क्या बताओगे, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इसके बाद तीसरी बुद्धि जो है वो है सामाजिक बुद्धि। तो इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। व्यक्तित्व तो मैंने पूरा पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया युंग के प्रकार, व्यक्तित्व तो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन कौन आता है, राजनेता आते हैं, नेता आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, समाज सेवी आते हैं, ये सभी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि नेता समाज में ही रह करके समाज के लोगों की मदद करते हैं। सेम इसी प्रकार से समाज सुधारक होते हैं, जो कुरीतियां होती हैं समाज में उसको दूर करने का काम करते हैं, जैसे कि बाल विवाह हुआ या फिर स्वच्छता अभियान हुआ, ये सब समाज सुधारक करते हैं। इसके अलावा समाज सेवी भी इसी प्रकार से होते हैं। अभिनेता, अभिनेत्री, यानी कि हीरो हीरोइन जो आप देखते हो, यह भी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि यह कोई भी फिल्म बनाते हैं या फिर कोई सीरियल बनाते हैं, तो इनका भी कोई ना कोई अच्छा संदेश देने का ही काम होता है उस मूवी में या फिर उस सीरियल में, तो यह भी संदेश देने का ही काम करते हैं समाज में। तो इस तरीके से चाहे अभिनेता हो, चाहे समाज सुधारक हो, नेता हो, समाज सेवी हो, ये सब सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों बुद्धि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे बुद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, बुद्धि की विशेषताओं में हम देखेंगे, पहला है बुद्धि अमूर्त और संप्रत्यय है, दूसरा है बुद्धि परिवर्तनशील होती है, तीसरा है बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का, उसके साथ पर्यावरण का भी पड़ता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए एक परिभाषा कही गई है प्रिंटर के अनुसार, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा यह कथन किसका है, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, तो आप क्या बताओगे, प्रिंटर, यह कथन किसका है, प्रिंटर का है। अब देखिए बुद्धि की विशेषताएं यहाँ पर हम देखेंगे, तो बुद्धि की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं यहाँ पर हैं, कुछ अभी मैं आगे और आपको बताऊंगी, तो ये भी आप याद रखिएगा और जो आगे बताऊंगी वो भी याद रखिएगा, क्योंकि यह विशेषताएं बहुविकल्पी क्वेश्चंस में, यानी कि मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन ही आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, तो उसमें ऑप्शंस में पूछता है। तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी कि हमारे सोचने समझने की, हमारे काम करने की क्षमता है, हमारी मानसिक योग्यता ये भी कह सकते हैं। बुद्धि परिवर्तनशील होती है, बुद्धि परिवर्तनशील होती है क्योंकि लगातार हम जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी परिवर्तित होती रहती है और लगातार हम अच्छा करते रहते हैं। फिर उसके बाद है बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का और उसके साथ पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो बुद्धि का सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है और फिर वंशानुक्रम का भी पड़ता है, लेकिन वातावरण का थोड़ा ज्यादा होता है वंशानुक्रम से। तो याद रखिएगा कि दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी और वंशानुक्रम पर भी, यानी कि माता पिता के जीन्स बच्चे के अंदर जो आते हैं वह भी, उनका भी प्रभाव पड़ता है बच्चे की बुद्धि पर, और जो वातावरण उसके आसपास का माहौल होता है, उसकी मित्र मंडली होती है, उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, उसके रिलेटिव होते हैं, उसके घर परिवार के लोग होते हैं, सभी लोगों का उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है।
यही रीजन होता है, आप देखते हो कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, डॉक्टर का बेटा बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। यही रीजन होता है कि आसपास का वातावरण, जैसे कि घर में अगर एक दो लोग आईएएस हो गए तो बच्चे भी आईएएस बन जाते हैं, क्योंकि उनके घर में उनको वही वातावरण वही माहौल मिल रहा है। तो वातावरण या माहौल आप कह सकते हो जिस प्रकार से होता है, बच्चे कहीं ना कहीं उस बच्चे की बुद्धि पर उसी का प्रभाव पड़ता है और बच्चे का झुकाव भी उसी तरफ हो जाता है। इसके बाद देखिए योग्यता, योग्यता का मतलब है कहीं पर भी हम समायोजन कर सकते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास क्षमता है, तो किसी भी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं अपने आप को। अधिगम यानी कि हम सीख तभी पाएंगे जब हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता होगी, हमारे पास बुद्धि होगी, तभी तो हम कोई काम सीख पाएंगे। फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता तो होती ही है, बुद्धि है तो आपको पता ही है। देखिए दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रमुख विशेषताएं हैं बुद्धि की, यहाँ पर इनको भी मैंने मेंशन कर लिया है ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। तो देखिए इसके बाद है बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति व योग्यता है, यानी कि जन्म से ही ये मिल जाती है हमें। फिर है बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। इसके बाद देखिए बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये तो आपने देख ही लिया। बुद्धि में 10 बिंदुओं तक परिवर्तन होता है, एक मानक है 10 बिंदु, यानी कि जो बुद्धि है उसमें लगातार जीवन भर क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ नया हम सीखते रहते हैं। इसके बाद देखिए बुद्धि पर आयु व परिस्थितियों के बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो बुद्धि होती है वो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, यानी कि एज बढ़ती जाती है, वैसे उस व्यक्ति के पास अनुभव होता जाता है, यानी कि वह बहुत सारे अनुभव उसको मिल जाते हैं जीवन में, और उन अनुभवों से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि है वह क्या है, वह समय के साथ बदलती रहती है, और व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, और वह अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ता है और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। तो इस तरीके से बुद्धि, आप लोगों ने यहाँ पर देखा बुद्धि चैप्टर की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताएं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई ईयर नहीं जिस ईयर में बुद्धि के सिद्धांत नहीं पूछा हो आप लोग के एग्जाम में। तो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज उसको देखिएगा। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको सारे के सारे पीडीएफ मैं देती हूँ दोस्तों, आपको पता ही है हर एक विषय की पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री पीडीएफ हम देते हैं, कोई चार्ज नहीं है। आप केवल जा करके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप सिंपली टेलीग्राम पर जा करके। आप टारगेट यूपी टेस्ट सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से TUC लिखा हुआ हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा येलो कलर का, उसको आप क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, वहां पर जाकर के भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने 5 मित्रों को तो जरूर शेयर करिए, कम से कम 5 को प्लीज शेयर किया करिए, और शेयर करके मुझे जरूर कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी वीडियोज कैसी लग रही है। बहुत सारे प्रशिक्षु कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं और मोटिवेट होती हूँ, और मैं और वीडियोज आप लोग के लिए लेकर के आती हूँ। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर किया करें, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। ये सब लिख करके पढ़ाने का एक ही रीजन है, आप लोग को समझाने का एक ही रीजन है कि आप ऐसे हर एक प्रशिक्षु के लिए जो एग्जाम है वो बहुत आसान हो जाए और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करोगे, वीडियो को शेयर भी करोगे, और वीडियो पर कमेंट भी करोगे। तो प्लीज शेयर करने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो को शेयर किया है कि नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे कि आपने वीडियो को शेयर किया है। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।